ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगत पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1885 के बाद, 1885 के बाद, तो उसके कई एक दशक तक उस पर जो मॉडरेट विंग थे, जो लिबरल विंग थे, ठीक है जी, जो उदार चरित्र के लोग थे, जो कि पिटिशंस और बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की जो स्ट्रैटेजी और मेथड थी उनका अनुपालन करने वाले थे, जो कि पैसिव रेसिस्टेंस में बिलीव करते थे, तो उनका कह सकते हैं कि एक पीरियड हुआ, मतलब ईयरली पीरियड ऑफ द कांग्रेस जो है वह मॉडरेट के द्वारा संचालित हुआ। तो आधुनिक भारत इतिहास में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का एक अहम योगदान है, एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती है इन इंडियन हिस्ट्री। तो जैसे जैसे हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि कांग्रेस के ईयरली फेज में और ईयरली पीरियड में जो है मॉडरेट विंग का जो है लिबरल आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोगों का कह सकते हैं पीरियड होता है, और धीरे धीरे फिर वह एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा एक एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, वो आगे बढ़ता है और फिर कांग्रेस का एक स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट में विखंडन होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, फिर रीयूनियन होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की या फिर अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है मॉडरेट विंग का या फिर एक्सट्रीमिस्ट विंग का। आज इस वीडियो में हम लोग आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट विंग की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या उनके कार्य करने की शैली थी, मेथड्स ऑफ वर्क, किस प्रकार वो अपना रेसिस्टेंस और ब्रिटिश के खिलाफ हुआ आंदोलन चलाना चाहती थी, उनकी विचारधाराएं क्या थी, तो इन तमाम चीज़ों का आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज देखेंगे। तो पहले मॉडरेट फेज और लिबरल फेज देख लेते हैं। तो पहला है कि कांग्रेस पॉइंट वाइज समरी देखेंगे। कांग्रेस प्रोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट फेज कहा गया है, इसे लिबरल फेज या फिर मॉडरेट फेज भी कहते हैं। 1885 से 1905 तक, मतलब 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक, इसे मॉडेस्ट या फिर मॉडरेट का फेज कहा गया है, इसे फर्स्ट फेज कहा गया है, इसे एक ईयरली फेज कहा गया है कांग्रेस का, ठीक है जी। तो इस फेज में जो मुख्यतः जो है कांग्रेस व डिमांडेड मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस कह सकते हैं कि पहले फेज में जो है कांग्रेस संवैधानिक बदलाव, संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक सुधार की मांग किया करते थे, और इकोनॉमिक रिलीफ और आर्थिक रिलीफ भी मिले, सहूलियत भी मिले, इसकी भी वह चेष्टा किया करते थे। ये सब उनकी मुख्यतः मांग थी या उनके प्रोग्राम थे। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, और जो प्रशासनिक सुधार है या प्रशासनिक पुनर्गठन है उसकी भी मांग किया करते थे। डिफेंस ऑफ सिविल राइट, और जो आम जनमानस या सिविल लोगों के जो अधिकार थे उनके डिफेंस में, उनके बचाव में वह खड़ा होते थे। तो ईयरली फेज ऑफ द कांग्रेस का जो प्रोग्राम था यह मुख्यतः चार बिंदुओं में यहाँ वर्णन किया गया है। आगे है द डिमांड्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है जी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो डिमांड है मुख्यतः कि क्या क्या डिमांड थे और क्या क्या उनके प्रोग्राम थे। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल था उसका रीऑर्गेनाइजेशन की हम मांग किया करते थे। एंड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS इन इंडिया एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड में और इंडिया में जो है एक समय पर ICS इंडियन सिविल सर्विस जो कलेक्टर वगैरह होते थे उनकी परीक्षा आयोजन की मांग किया करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि भारत के विद्यार्थी या भारत के यंग युवा इंग्लैंड जाते थे परीक्षा देने के लिए, भाषा इंग्लिश होती थी, तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस के लोग ऐसा चाहते थे, इनकी ऐसी आकांक्षा थी कि
भारत में और इंग्लैंड में जो है समान स्तर पर जो है इसका परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, इस परीक्षा का आयोजन हो। आगे है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, और जो जुडिशियरी है, जो न्यायालय है, उसको एक्सिक्यूटिव से अलग किया जाए ताकि न्याय व्यवस्था भी बनी रहे और एक्सिक्यूटिव का कार्यान्वयन भी सही तरीके से एक्सिक्यूट हो सके। अगला पॉइंट है रिपील ऑफ द आर्म एक्ट, जो आर्म एक्ट आया था इसे रिपील करने की वह मांग किया करते थे, डिमांड इनका था। अगला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू कमीशन रैंक इन आर्मी, और तो और जितने भी इंडियंस थे उनको आर्मी वगैरह में जैसे सूबेदार रैंक से अधिक रैंक उनको नहीं दिया जाता था, तो इन लोगों का, कांग्रेस के तमाम मॉडरेट लोगों का और ईयरली फेसेस में जो ऐसी मांग थी कि आर्मी में भारतीयों को भी वरिष्ठ पद, ऊंचे पद से अवार्ड किया जाए और ऊंचे पद पर उन्हें पदासीन भी किया जाए। अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे बहुत जो है ब्रिटेन की जो सरकार थी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश एम्पायर के लोग बहुत अधिक खर्च किया करते थे, तो उनकी ऐसी आकांक्षा थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बदले जो सिविल लोगों के अधिकार हैं उनके वेलफेयर्स पे जो है पैसा खर्च हो, जिससे कि आम गरीब लोगों को कम टैक्स देना पड़े और एग्जॉर्बिटेंट टैक्स कलेक्शन से भी बचा जा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, और ऐसी मांग थी कि परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक रिवेन्यू या फिर टैक्स और कर की जो वसूली होती थी उसे फिक्स कर दिया जाए ताकि किसानों को उतना कष्ट ना झेलना पड़े, हर बार का मोल तोल ना करना पड़े। फिर एक कांग्रेस एक्सप्रेस्ड ओपिनियंस ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनपॉपुलर वंस, और कांग्रेस के जो लोग थे वह अपने ओपिनियंस, अपने विचार और तो और सरकार के जितने भी स्टेप्स और मेजर होते थे उनके विरोध में जो है प्रोटेस्ट किया करते थे, ठीक है जी, जो कि अनपॉपुलर होता था, जो कि प्रसिद्ध नहीं होता था या फिर जो आम लोगों के हित में नहीं था उसके खिलाफ हुआ मोर्चा खोलते थे। डिमांड्स वेर रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो साल दर साल मतलब हर एक साल जो है रिपीट किया जाता था, एक रिसोल्यूशन पारित की जाती थी। ऑल दो देर वॉज हार्डली एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन इस रिसोल्यूशंस और इस डिमांड को लेकर ब्रिटेन की सरकारों में या उस वक्त के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर में या अंग्रेज के सरकारों के कान पर तनिक भी जू नहीं रेंगती थी, मतलब इंडियंस के डिमांड्स को लेकर वह कभी भी उत्सुक नहीं होते थे, तो अंग्रेज कह सकते हैं कि एक डीफ की तरह, एक बहरे की तरह बस इसे सुनते थे, क्योंकि यह पैसिव रेसिस्टेंस करते थे, मतलब उतना बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, बस एक रिसोल्यूशन पारित कर दिया पेपर्स या न्यूज़पेपर्स में, उसका क्रिटिसिजम्स कर दिए, कोई मतलब बहुत बड़ा मास मूवमेंट या विद्रोह या फिर इन एक्शन कोई भी प्रोग्राम या लॉन्च नहीं किया करते थे इनिशियल फेज में। ड्यूरिंग फर्स्ट 20 ईयर्स, पहली दो दशक या पहली 20 सालों तक 1885 टू 1905 देयर वाज अ प्रैक्टिकली नो चेंज इन कांग्रेस प्रोग्राम, कांग्रेस नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। आगे है दिस फेज ऑफ कांग्रेस इज नोन एज द मॉडरेट फेज, और यह फेज जो कांग्रेस का है यह एक मॉडरेट फेज है। लीडर्स वेयर कॉशियस इन देयर डिमांड, और जो लीडर्स थे वो बहुत ही कॉशियस हैं अपने डिमांड को लेकर, ठीक है जी। नॉट वॉन्ट टू अनाउ गवर्नमेंट एंड इनक रिक्स ऑफ सपरेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे, मतलब मॉडरेट जो लोग थे, जो ईयरली कांग्रेस के लीडर्स थे, जो ईयरली कांग्रेस के मेंबर्स थे, वह कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे कि ब्रिटेन की सरकार या उस कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि आंखें या फिर उनका बर्ताव कांग्रेस के प्रति जो है सप्रेशन की हो, मतलब कांग्रेस को सप्रेस करने की चेष्टा करे, ऐसा
कोई भी वह कार्य को करना नहीं चाहते थे। मोर और लेस आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ऐसी कोई भी एक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि मास मूवमेंट लॉन्च करने की प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वह डरते थे, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो अंग्रेज जो है मिलिट्री पावर के द्वारा उसे सरप्रेस कर देगी, उसे दबा देगी। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1885 टू 1892, 1885 से सन 1892 ईस्वी तक देयर मेन डिमांड कंटिन्यू टू बी एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1885 से 1892 तक उनका जो मेन डिमांड था, मुख्य जो मांगी थी, वो था कंटिन्यू टू बी एक्सपेंशन फ्रॉम रिफॉर्म। धीरे धीरे किस प्रकार जो है रिफॉर्म्स को, बदलाव का एक्सपेंशन किया जाए इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ताकि इंडियंस लोगों का प्रतिनिधि अधिक से अधिक लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सके, वहाँ वाद विवाद और विचार विमर्श कर सके और भारतीयों की बातों को रख सके। आगे है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू पास इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892। और तो और, कांग्रेस की तमाम मांगों को मांगते हुए अंतोगत्वा जो है ब्रिटिश सरकार जो है एक एक्ट पारित करती है, और वह एक्ट है काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है जी। बट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फेल टू सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। लेकिन इस कानून, इस एक्ट जो है वह इंडियन लीडर को, ठीक है जी, तो कांग्रेस की जितनी भी नीतियां थी, मतलब वह जब डिमांड किया करते थे, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम जान पाते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अंतोगत्वा 1892 में एक एक्ट को पारित करती है। ठीक है जी। तो डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर पब्लिक पर्स, और यह मांग करती है कि इंडियन का जो है कंट्रोल, इंडियंस के पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स कहने का तात्पर्य यहाँ यह हुआ कि इंडिया के जितने भी बजट एक्सपेंडिचर है या फिर इंडिया का जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन है, तो जो भी ओवरऑल एक्सपेंडिचर कलेक्शन वगैरह हो, इंडियंस के पब्लिक पर्स की जो अधिकार है कंट्रोल करने की, वह इंडियन के पास, भारतीय लोगों के पास हो, ना कि ब्रिटेन के पास हो। ठीक है जी। मतलब भारत से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वो अन्य देश भेजा जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वगैरह आप लोग जानते हैं। तो रेज्ड द स्लोगन दैट हैड अर्लियर बीन रेज्ड बाय द अमेरिकन्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और जब अमेरिकन की स्वतंत्रता संग्राम, या फिर अमेरिका जब अपने राष्ट्र की आजादी के लिए जब संघर्षरत थे, उस कार्यकाल में एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन को कह सकते हैं कि उठाया गया था, वह था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप भारतीय लोगों का, मतलब उस परिप्रेक्ष्य में अमेरिकन लोगों को अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, मतलब अगर अमेरिकन लोग अगर चुनकर नहीं जाते हैं, तो अमेरिकन लोग अगर अपने कह सकते हैं कि राजा को, अपने सम्राट को, या फिर अपने रूलर्स को अगर खुद नहीं चुनते हैं, तो अमेरिकन लोग टैक्स वगैरह भी फाइल नहीं करेंगे। आगे है, बाई 1905 ईस्वी से कह सकते हैं कांग्रेस पुट फोर्थ डिमांड फॉर स्वराज। अब आता है कांग्रेस का अगला फेज 1905 के बाद। धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट जो है कांग्रेस की मॉडरेट फिलॉसफी और आइडियोलॉजी पे हावी होना प्रारंभ कर देती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि अब धीरे धीरे स्वराज और सेल्फ रूल, मतलब स्वतः स्वयं का शासन, ठीक है जी। तो 1905 के बाद कांग्रेस डिमांड करना प्रारंभ कर देती है स्वराज का, सेल्फ रूल फॉर इंडियंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत जो है इंडियंस को स्वतः शासन की आजादी, या फिर स्वतः शासन करने की अनुमति मिले, ऑन द मॉडल ऑफ द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और उस कार्यकाल में जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सेल्फ जैसे गवर्निंग कॉलोनीज जो थे, उसी मॉडल के आधार पर जो है भारतीय लोग भी कह सकते हैं कि स्वराज की मांग करने लगे। दिस डिमांड वॉज फर्स्ट रेफर्ड बाई
जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन 1905 एट बनारस, एंड लेटर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बाय दादा भाई नरोजी इन 1906 एट कलकत्ता। 1905 आते आते बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है यह स्वराज या सेल्फ रूल की मांग रखी गई, और दादा भाई नरोजी एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री थे उस वक्त, और सेना नायक कह सकते हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े व्यक्ति व्यक्तित्व दादा भाई नरोजी, जो 1906 में जो है यह कलकत्ता के सेशन में भी उन्होंने यह बात को दोहराई कि अब इंडियंस को सेल्फ रूल मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, एट स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेड बाय द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग दिस फेज वाज अबाउट इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। इस फेज में मतलब ईयरली फेज में जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री के द्वारा जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, जैसे दादा भाई नरोजी एक हो गए, वो लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि किस प्रकार से भारत की संपदा, भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत की संपदा को लूट कर जो है वह ब्रिटेन भेजा जा रहा है, तो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, किस प्रकार भारत की संपदा का जो है ड्रेन हो रहा है, मतलब खींचा जा रहा है और उसे विदेश भेजा जा रहा है, किस प्रकार से इंडियंस या पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है। एंड दादा भाई डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल एज एन एवरलास्टिंग एंड एवरीडे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेजन। और दादा भाई नरोजी ने उस वक्त इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि ब्रिटिश दिन प्रतिदिन जो है एवरलास्टिंग हो रहा है, अतीत समय तक चलने वाला एक सत्ता जो है वो बनते जा रहा है, और धीरे धीरे इनकी जो इन्वेजन है, मतलब इनका जो कह सकते हैं कि आक्रमण है, ठीक है जी, वो बढ़ते जा रहा है, एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द कंट्री, और धीरे धीरे भारत राष्ट्र को जो है इसका डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसे खत्म कर रहा है। एंड ब्रिटिश वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, और एकमात्र ब्रिटेन ही वह है जो भारत की संपदा, भारत की जो इंडिजीनियस जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत उद्योग था, भारत का जो अपना उद्योग धंधा था, जो इंडस्ट्री थी, उसको चौपट करने में, उसे नष्ट करने में एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार था तो वह ब्रिटिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड या ब्रिटेन एम्पायर। नेशनलिस्ट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ स्वदेशी, धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट थे वो आइडिया ऑफ स्वदेशी को और अधिक प्रचार प्रसार करने लगे, एंड यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स सच एज मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे यह प्रचार करने लगे, जैसे मैनचेस्टर की साड़ी हुआ करती थी, तो इस मैनचेस्टर की साड़ी को जो है लोग हवन कुंड की तरह आग में जला दिया करते थे, और ऐसा कहते थे कि इंडियन मेड, जैसे गांधी जी आगे खादी का प्रचार करते हैं कि भारत में बने उद्योगों से ही अपने वस्त्रों का यूज करें, उसे ही खरीदें, उसे ही पहने, मतलब इंडियन स्कूड और इंडियन के इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर जितने भी सामान वगैरह होता है सिर्फ उसका ही प्रयोग करें, और ब्रिटिश या फिर फॉरेन और यूरोपियन गुड्स और यूरोपियन क्लॉथ्स को यूज ना करें। तो दे डिमांडेड, अब धीरे धीरे उनका डिमांड और अधिक बढ़ने लगा, एंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड। अब कांग्रेस डिमांड करने लगती है, मोडरेट्स के द्वारा डिमांड यह होता है कि अब धीरे धीरे आप जो है उनका डिमांड जो है, उनकी मांगे जो है बढ़ने लगता है, और कहते हैं कि आप हमारी इकोनॉमिक ड्रेन को, जो हमारी आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, जो हमारी सोने की चिड़िया कहने वाली देश को किस प्रकार से जो लूटा जा रहा है, उसका अब इंड हो, मतलब अब उसे खत्म किया जाए। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जितने भी लैंड रेवेन्यू है, जो जमीन पर कर वसूला जाता है, उसे कम किया जाए, इन ऑर्डर टू लाइटन द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द पीजेंट्स, और जिससे कि है कि पीजेंट्स पर जो बर्डन है उसे टैक्सेशन के रूप में उसे कम किया जा सके। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, ऑफ द प्लांटेशन लेबरर, और जितने भी प्लांटेशन लेबरर्स वगैरह थे जो कि चाय की बगान वगैरह में खेती किया करते थे, उनकी जो कंडीशंस थी, उनको जो है अच्छा काम करने का माहौल मिले, उनके उनको अच्छा पगार मिले, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से की जा सके। एवोल्यूशन ऑफ द साल्ट टैक्स, और साल्ट टैक्स जो था उसे एवोलिस्ट करें। रिडक्शन इन द हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
और जितने भी मिलिट्री पे अधिक व्यय हो रहा था भारत के संसाधनों का, भारत के टैक्सों का, उसको कम किया जाए, और जितने भी कर वगैरह वसूल किया जाता था वह इंडियंस के वेलफेयर पे, इंडियंस पीपल, इंडियन मास, इंडियन सिटीजन के वेलफेयर पे खर्च किया जाए, ना कि ब्रिटेन जो है एक्सपेंसेस की जो नीति थी उस पर मिलिट्री का अधिक जो है खर्च करना चाहती थी, और वह खर्च का जो बोझ है वह भारत के लोगों पर डाला जाता था। आगे है रिकग्नाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्रीडम। अब धीरे धीरे कांग्रेस के लोग जो है स्वतंत्रता की जो कह सकते हैं कि बीज जो है वह बुना प्रारंभ किए और रिकॉग्नाइज किए वह जो वैल्यूज था फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कंडेम्ड ऑल अटेम्प्ट ऑफ एट द कटलमेंट। जैसे जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सिर्फ राष्ट्र की स्वतंत्रता नहीं बल्कि बोलने की आज़ादी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, तो जैसे जैसे वह अंग्रेज वगैरह को जानने लगे कि भाई ब्रिटेन में या इंग्लैंड में इतनी स्वतंत्रता है और भारत में उतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं है, तो इसको लेकर भी एक बहस छिड़ता था कि आप तो अपने सिटीजन्स को या फिर अपने देश में इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं और वही हमारे देश में हमें इतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब भारत के लोग भी जैसे देश विदेश घूमने लगे, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने लगे, विदेश जाने लगे, तो वहाँ से जानकार और जानकारी हासिल करके लाते थे, तो उनसे पता चलता था कि भाई अब हमारे राष्ट्र के लोगों को भी, हमारे राष्ट्र में भी जो है प्रेस की स्वतंत्रता हो, हमारे राष्ट्र के लोगों को भी कह सकते हैं कि एक स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की आज़ादी मिले, और तमाम जो नीतियाँ अंग्रेज अपनाया करती थी स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए, बाधित करने के लिए, रोकने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए, उसे कांग्रेस के लोगों ने कंडेम्ड करना शुरू किया, मतलब उसकी आलोचना करना शुरू किया। स्ट्रगल फॉर रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और जो है धीरे धीरे संघर्ष किए ताकि वह रिस्ट्रिक्शंस जो थे उसे हटाया जाए ऑन प्रेस एंड बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए का एक अहम बिंदु, एक इंटीग्रल पार्ट, एक आंतरिक जो है कह सकते हिस्सा बन गया स्वतंत्रता संग्राम का, कि कोई भी बोलने की स्वतंत्रता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर कोई भी पाबंदी स्वीकार नहीं होगा। आगे है यूजेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश इंपीरियल पर्पसेस इन एशिया एंड अफ्रीका वाज आइडेंटिफाइड एज अनदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और इंडियन आर्मी और रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश इंपीरियल पर्पसेस इन एशिया एंड अफ्रीका वाज आइडेंटिफाइड एज अनदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब भारत के लोगों को भी आर्मी में शामिल करके देश विदेश भेजा जाता था ताकि वह ब्रिटेन के एम्पायर को और इनलार्ज कर सके, मतलब उसे और बढ़ा सके, और उसका टैक्स वगैरह भी इंडियन से ही कलेक्ट किया जाता था, उनकी सैलरी वगैरह भी इंडियंस के टैक्स से ही दिया जाता था। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस होता था, चाहे वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, उसे आइडेंटिफाई करना प्रारंभ किया, और उसका फिर कांग्रेस के लोगों ने विरोध जताना प्रारंभ कर दिया। Questions the property of placing on Indians revenue the entire burden of British rule in itself। और धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने या क्वेश्चन करना प्रारंभ किया या प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि भारत के लोग टैक्स देकर अपने ही ऊपर जो है शासन कराने के लिए क्यों मजबूर हैं, या फिर ऐसा क्यों है कि हम ही लोग से टैक्स वसूला जाता है और उल्टे हम पर ही शासन किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ द ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी जो दिया गया था, दे इम्प्रेस्ड अपॉन द पॉपुलर माइंड अ पोटेंट सिंबल ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे जो है पॉपुलर माइंड अ पोटेंट सिंबल ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, जो फॉरेन, ब्रिटेन वगैरह फॉरेन के लोग थे वो किस प्रकार से भारत को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, इसके बारे में भी चर्चा होने लगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक डिमांड, अब किस प्रकार से अब इकोनॉमिक आर्थिक डिमांड के बारे में, उसकी जो प्रकृति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द पॉलिटिकल डिमांड्स वेर मॉडरेट, इकोनॉमिक डिमांड्स वेर रेडिकल इन नेचर। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो ईयरली फेज ऑफ कांग्रेस की जो पीरियड थी वह कह सकते हैं कि कम थी, लेकिन आर्थिक जो मांगे थी वह बहुत ही रेडिकल इन नेचर थी, मतलब पुरजोर तरीके से आर्थिक गतिविधियों या फिर आर्थिक रूप से जो भारतीयों का शोषण हो रहा था उसका वह विरोध जताना प्रारंभ किए। इंडियंस लीडर्स एडवोकेटेड बेसिकली एंटी इंपेरियलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जो भारतीय लीडर्स थे वो ऐसी वकालत करते हैं
कि एंटी इंपेरियलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया जाए, स्ट्रेस ऑन बेसिक निड्स और कुछ जो मूलभूत जो है बदलाव की जो आवश्यकता है उस पर अधिक अधिक बल देना प्रारंभ किया। इन एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो भारत और इंग्लैंड के मध्य में चाहे व्यापार हो या कोई अन्य आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक रिश्ते हैं, उन पर वह बदलाव करने की मांग किया, जिससे कि इंडियंस को कम एक्सप्लॉइट किया जाए, इंडियंस की कह सकते हैं कि औद्योगिक इंडस्ट्री अधिक नष्ट ना हो। आगे है अपोज्ड अटेम्प्ट ऑफ फॉरेन रूलर्स टू कन्वर्ट इंडियन इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। और धीरे धीरे जो है वह अपोज करने लगे फॉरेन रूलर्स को, जो कि इंडियंस को एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में बना दिया और ब्रिटेन से जो है फॉरेन गुड्स जो है मैन्युफैक्चर होकर आता था और भारत को एक बाजार के रूप में, मतलब भारत से पहले कच्चा माल खरीदा जाता था, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होता था, फिर भारत के ही बाजार में उसे बेचा जाता था ताकि ब्रिटेन जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। और क्रिटिसाइज ऑफिशियल पॉलिसीज ऑन टैरिफ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेशन। और कांग्रेस के लोगों ने जो नीतियां अपनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, सरकारी अफसर के द्वारा, चाहे वो टैरिफ की नीतियां हों या व्यापार की नीतियां हों, ट्रांसपोर्टेशन की नीतियां हों या फिर कर वगैरह की नीतियां हों, इन तमाम नीतियों का कड़ी आलोचना किया गया था कांग्रेस के लोगों का के द्वारा जो है ईयरली फेजेज में हुआ। इसलिए क्योंकि भारत के अगर एक्सपोर्ट होता था भारत का कुछ गुड्स ब्रिटेन में, तो उसे हाई टैरिफ लगा दिया जाता था, मतलब उसमें हाई कह सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता था। लेकिन वही अगर इंग्लैंड का कोई गुड्स या वस्त्र वगैरह, जैसे मैनचेस्टर की साड़ी वगैरह भारत में इंपोर्ट होती थी, तो उस पर नो टैक्स था, नो टैरिफ था, जिससे कि वो आसानी से भारत में आ सके और अधिक से अधिक बिक सके। तो यह जो दोहरे चरित्र था ब्रिटिश एम्पायर का, दोगली नीति जो थी, ड्वेल कैरेक्टर, ड्वेल नेचर था, इसको लेकर जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ईयरली मेंबर्स ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और इसका आलोचना की, हैम्परिंग रेदर देन हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री। और इन तमाम नीतियों के कारण जो भारत के जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी उद्योग धंधा थे, वह चौपट हो रहे थे इंस्टीड ऑफ बढ़ने, फलने, फूलने के अलावा। इवेल्यूएशन ऑफ वर्क। अब आइए मॉडरेट्स के जितने भी कार्य हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। वॉट एवर मे बी ड्रॉबैक इन द डिमांड पुट फॉरवर्ड बाई द कांग्रेस नेशनल बॉडी इन ट्रू सेंस, चाहे कितनी भी खामियां रही हों ईयरली फेज में, कोई भी एक्टिव पॉलिसी, मास मूवमेंट या कह सकते हैं इन एक्शन एजिटेशंस नहीं अपनाया गया हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस की या ईयरली फेज में धीरे धीरे उसको इस्टेब्लिश होने में, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑल इंडिया लेवल पर बनने में एक बहुत बड़ा योगदान हुआ। ईयरली फेजेज में 20 साल लगे उसे ऑल इंडिया कैरेक्टर होने में। एंड इट्स डोर वेयर ओपन टू ऑल क्लासेस, और इसके जो दरवाजे थे वो सभी समुदाय के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए खुले थे। एंड प्रोग्राम वाज बेस्ट एनफ टू एकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट, और ऐसी कोशिश की जाती थी कि तमाम विचारधाराओं का, जैसे लोग उनका कह सकते हैं कि इस कांग्रेस में उनका समावेशन हो। एंड इट वॉज नॉट अ पार्टी बट अ मूवमेंट, और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि एक आंदोलन थी, एक मूवमेंट थी, और वह मूवमेंट इसलिए ताकि राष्ट्र की आज़ादी मिल सके, स्वराज मिल सके, सेल्फ रूल मिल सके, और धीरे धीरे हम आज़ादी की ओर अग्रसर हो सके और ब्रिटेन को मार के भगा सके। बिलोंग टू द अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास, और शुरुआत में जो है कांग्रेस जो है एक अर्बन मिडिल क्लास का कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन था। वे आर टू ब्रॉड माइंडेड एंड फ्री फ्रॉम नैरो एंड सेक्टेरियल क्लास इंटरेस्ट, और यह जो है नैरो माइंडेड के लोग नहीं थे, ब्रॉड माइंडेड के लोग थे, जिसमें कि सभी क्लास, कास्ट, कम्युनिटी के लोग आकर एक कंसेंसस बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा सके। एंड केप्ट इन माइंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, और वह पीपुल के इंटरेस्ट, पीपुल के हितों को अपने दिमाग में रखकर चलते थे। एंड देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज वेर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स शॉर्ट साइटेड विजन ऑफ अ जॉब हंग्री मिडिल क्लास, और उनकी जो आर्थिक नीति थी वह मिडिल क्लास के सिर्फ और सिर्फ जॉब हंग्री या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए ही सीमित नहीं था, बाकी ओवरऑल जो इंडियंस की आर्थिक गतिविधि थी या इंडियंस की जो नीति होनी चाहिए या आर्थिक
नीति क्या होना चाहिए एक राष्ट्र का, उस पर आधारित था, ना कि किसी एक व्यक्ति की लोलुपता पर आधारित था। द ब्रिटिश एटीट्यूड बिकम मोर हॉस्टाइल टू कांग्रेस अंडर द लॉर्ड कर्जन, और ब्रिटिश की जो नीति थी वह बहुत अधिक जो है हॉस्टाइल थी लॉर्ड कर्जन के आने के बाद। ठीक है जी, किसके ऊपर? कांग्रेस के खिलाफ में, मतलब कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन जब आए एक वायसराय के रूप में, तो कांग्रेस के प्रति उनकी जो रवैया थी वो बहुत ही कह सकते हॉस्टाइल इन नेचर था। ऑटोक्रेटिक मैनर ही ट्राई टू कंट्रोल यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड डिस्क्रीट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और एक तानाशाह के रूप में, डिक्टेटरशिप के रूप में, एक ऑटोक्रेटिक मैनर के रूप में वह जो चाहते थे लॉर्ड कर्जन जो चाहते थे कि वह तमाम यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय था, शिक्षा था, या फिर इन सभी को अपने शासन में ले और इसे कंट्रोल करें, अपने बस में रखें, और पार्टीशन ऑफ द बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय ही जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। एंड दिस लीड टू अ स्ट्रॉन्ग नेशनल अवेकनिंग, और यह जो है राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का एक कारण बना। जनरल इंप्रेशन ग्रीव डैट मॉडरेट्स वेयर द पॉलिटिकल मेडिकेंट्स एंड ऑनली पिटिशनिंग एंड प्रेइंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर पीटी कंसेंसस। और जब बंगाल विभाजित हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे जब यरली कांग्रेस जो थे, जो कह सकते हैं कांग्रेस के शुरुआती दशक में जो है कोई ऐसे एक्टिव या मास मूवमेंट लॉन्च नहीं करते थे, तो धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे उनके प्रति जो है आम लोगों का या एक धारणा बन गया कि यह लोग सिर्फ पिटीशन दायर करते हैं, सिर्फ पेपरी और कागजी कारोबार करते हैं, या जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते, कोई बड़े आंदोलन खड़ा नहीं करते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ यह कंसेंसस की मांग करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए, थोड़ी बहुत, मतलब यह जो पिटीशन और प्रेइंग की जो नीति थी, प्रार्थना की नीति थी, बेगिंग की जो नीति थी, एज अ बेगिंग बाउल, की कटोरा लगाकर हम ब्रिटिश के सामने कुछ मांगे, तो इन तमाम नीतियों के को देखते हुए जो मास मूवमेंट थी उनके मन में जो है मॉडरेट को लेकर एक भ्रम की स्थिति बन गई कि भाई ये आखिर आंदोलन कर रहे हैं या फिर यह सिर्फ पिटीशंस और प्रेयर करते हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इनका आखिर उद्देश्य क्या है, क्या इनका उद्देश्य है राष्ट्र की आज़ादी या फिर आम लोगों की भलाई? अगर ऐसा है तो कोई मास मूवमेंट क्यों ना करे, कोई आंदोलन खड़ा क्यों ना करे, कोई एक्टिव जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे? तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है धीरे धीरे जो है मॉडरेट्स भी इन चीज़ों को लेकर जो है सतर्क हो गया। फ्लॉगिंग ऑफ मॉडरेट्स थाउट वॉज कल्मिनेशन ऑफ द ट्रेडिशन विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राजा राम मोहन राय हु स्टूड फॉर द रेशनल लिबरल एंड ट्रेडिशनल ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोप। धीरे धीरे मॉडरेट्स वगैरह थे वो ट्रेडिशन के कह सकते हैं उतना पक्षधर नहीं थे, बल्कि एक लिबरल आइडियोलॉजी को, और कह सकते हैं कि उनको ऐसा भ्रम था कि ब्रिटिश जो है इंडिया को सिविलाइज कर देगा, या फिर ब्रिटेन जो है इंडिया में रहने के बाद जो है धीरे धीरे भारत का विकास होगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है और धीरे धीरे इनका भी भ्रम टूटता है। रिफॉर्म्स अल्टीमेटली प्रोवाइडेड बेसिस फॉर डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द ईयरली कांग्रेस, और इनकी एक डिमांड बस यही होता था कि रिफॉर्म्स मतलब बदलाव, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव हो, आर्थिक नीतियों में बदलाव हो, राजनीतिक नीतियों में बदलाव हो, सामाजिक और धार्मिक नीतियों में बदलाव हो, तो कांग्रेस के ईयरली फेज में जो है रिफॉर्म्स की बहुत कह सकते हैं कि डिमांड रखी गई थी, मांग रखी गई थी। तो ईयरली कांग्रेस लीडर प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूड पॉलिटिकल प्रोग्रेस, और उनकी ऐसी आशा थी कि ईयरली कांग्रेस के जो लोग थे वह ब्रिटेन की जो सरकार है उनमें उनकी सहभागिता या फिर ब्रिटेन की सरकार का भारत में होना आवश्यक है ताकि भारत जो है राजनीतिक रूप से विकास कर सके, या फिर यूं कहूं तो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो सके। लैंग्वेज वार कॉशियस एंड एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट, लैंग्वेज बहुत ही उनकी जो थी वो बहुत ही धीमा होता था या फिर बहुत ही डर डर कर उठाते थे अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है जी, और एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो आशाएं और आकांक्षाएं होती थी वह भी मध्यम होता था। बट चेंजिंग टाइम मॉडरेट्स बिगेन टू अल्टर देयर पोजिशन, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलने लगा और जब एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी हावी होने लगी कांग्रेस पर, तो उनको भी मतलब मॉडरेट्स को भी अब अपनी जो है विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ा। सो डैट इन 1905 गोखले हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ द सेल्फ रूल एंड दादा भाई नरोजी हू मेंशन द स्वराज गोल ऑफ द कांग्रेस। जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित होने लगा, जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट बींग जो है वह पॉपुलर होने लगा, तो धीरे धीरे कांग्रेस की जो है जो मॉडरेट बींग था वह भी कह
कह सकते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी, अपने कार्य करने की शैली में परिवर्तन किया और एक्सट्रीमिस्ट के दबाव में आकर मॉडरेट्स वाले लोग जो है फिर धीरे धीरे अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना प्रारंभ किए और 1905 आते आते जो है वह स्वतः शासन के लिए प्रेरित हुए और उनकी मांग रखने लगे। 1906 में फिर दादा भाई नौरोजी भी जो है स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य है इसको लेकर आगे बढ़े। तो मॉडरेट्स फाउंड देमसेल्फ इन द टाइट कॉर्नर विद द इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर विद इन द कांग्रेस। मैंने पहले ही बताया कि मॉडरेट्स जो है अब टाइट कॉर्नर जो आ रहे थे या फिर कह सकते हैं एक टफ फाइट मिल रहा था विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही किसके द्वारा, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के द्वारा, जैसे तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इन सबों के द्वारा जो है एक एक्सट्रीमिस्ट फाइट मिल रहा था, उनका विरोध हो रहा था कि भाई आप पिटीशन ही क्यों करते हैं, आप एक बेगिंग बॉल की तरह ही क्यों करते हैं, आप कोई मास मूवमेंट क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, आप कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आप आंदोलन क्यों नहीं करते, आप संघर्ष क्यों नहीं करते, आप मिलिटेंट एक्टिविज्म क्यों नहीं करते। तो एक्सट्रीमिस्ट वेयर अट्रैक्टिंग द यूथफुल सेक्शन एमंग द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो धीरे धीरे जो है यंग लोग, जो युवा वर्ग थे, उसको आकर्षित करना प्रारंभ किया। जो राजनीतिक एक्टिविस्ट थे उनमें भी वो बहुत पॉपुलर होने लगे, उन्हें आकर्षित या फिर कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो युवा का आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा था। तो चेंज सिचुएशन एक्सट्रीमिस्ट केम टू द सेंट्रल स्टेज ऑफ कांग्रेस, जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा था एक्सट्रीमिस्ट जो है वह कांग्रेस के मध्य में आने लगे, कांग्रेस में उनका बहुत प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो ये कह सकते हैं कि अब आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। तो आज हम लोगों ने जाना किस प्रकार मॉडरेट जो है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। तो हम लोगों ने इस क्लास में देखा मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या थी, वो उनका जो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक डिमांड क्या था, उनकी कार्य करने की जो है शैली क्या थी, उनके मांग क्या थे, तो उनके इकोनॉमिक ट्रेंड की फिलॉसफी क्या थी, उनके प्रोग्राम्स क्या थे, तो इन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया। और अंत में आते आते मतलब 1905 आते आते किस प्रकार जो है एक्सट्रीमिस्ट उन पर हावी होने लगते हैं, तो अब मॉडरेट्स विंग भी जो है स्वराज की मांग करने लगते हैं, स्वतः शासन की मांग करने लगते हैं। तो ये ओवरऑल द पिक्चर मैंने बता दिया कि मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी, उनके मेथड्स, उनके डिमांड, उनकी कह सकते हैं कि कार्य करने की शैली, ओवरऑल जो कांग्रेस की ईयरली जो फेज है उसके बारे में हम लोग ने इस वीडियो में, इस क्लास में विस्तृत रूप से देखा। आगे वीडियो में हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी, उनके कार्य करने की शैली, उनके प्रमुख लीडर्स। तो डैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।